सोनक जी ने पूछा, सुत जी ने कहा, वयम भागवतम कथां, मैं भागवत की कथा सुनाना चाहता हूं तुम्हारे कल्याण के लिए, क्योंकि मुझे इसी का विश्वास है कि ये कल्याण करती है। क्यों? भगभावैति कृतं भक्तिं गावैति ज्ञानवर्धिनां वैराग्य सथा व्याप्तं ये वे मोक्ष प्रधानशम। श्रीमद भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य और मोक्ष की कथा है, इसलिए महर्षियों आपको मुक्ति चाहिए तो भागवत ही श्रेष्ठ है, श्रवण करो भागवत। तो सोनक जी ने कहा, महाराज नाराज ना होना, हम ये जानना चाहते हैं कि भागवत ने हमसे पहले भी किसी का कल्याण किया है कि पहली बार हमारे ऊपर ही हथियार चलाया जा रहा है। वैक्सीन जब बन रही थी ना कोरोना की इंजेक्शन, तो पहले चूहों पे लगाया गया, चूहों पर, फिर बिल्ली को लगाया, कुत्ते को लगाया, हाँ इंसान को बड़ी बात में लगाया। ये कह रहे हैं भगवान सोनक जी, ये भागवत रूपी औषधि पहले किसी ने खाई है क्या? किसी का उद्धार हुआ है इससे? जो आप मेरा उद्धार, हम सबका उद्धार करना चाहते हैं। भगवान सूत जी ने भागवत से जिनके उद्धार हुए उनके दृष्टांत दिए, कहा ये भागवत इसने श्री नारद जी का उद्धार किया है, इस भागवत ने श्री ब्रह्मा जी का उद्धार किया है, इस भागवत ने भक्ति का उद्धार किया है, इस भागवत ने ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दोनों पुत्रों का उद्धार किया है, इस भागवत ने आत्मदेव का उद्धार किया है, इस भागवत ने आत्मदेव के पुत्र दुंदकारी का उद्धार किया है। सोनक जी ने सुना तो कहा, यदम भागवतम कर्मम ये वे सुवलक्षणम। आपने श्री भागवत जी के जो लक्षण बताए हैं, कृपया कोई दृष्टांत सुनाओ। तब भगवान सुत जी नारद जी का दृष्टांत सुना रहे हैं। सुनिए, दृष्टांत भी हमेशा मजबूत ही सुनाना चाहिए। हम हल्का दृष्टांत सुनाएंगे, हम कहें कि हमारे यहाँ वो झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी आती है ना, उसके गले में 700 ग्राम को हारो सोने को, तो कोई ना मानेगा, कोई मानेगा ना? सच में वो पहन रही होगी तो भी कोई मान सकता नहीं है। अगर हम किसी बड़े आदमी का नाम लें, अरे मैं क्या बताऊं, मोदी जी ने 1.5 किलो हीरे का हार डाल रखा था परसों, लोग कहेंगे भाई उनके लिए क्या है, सब दुनिया उनकी मुट्ठी में, वो कुछ भी डाल सके, हार डाला होगा और डाला कभी नहीं। व्यक्ति के सम्मान प्रतिष्ठा और बड़मपन से छोटी छोटी चीजों का सम्मान भी बढ़, विश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए अधरान कृतम ब्राह्मणम न जाता विशुद्ध योगे भागवत। बहुत सारे दृष्टांत दिए भागवत के पर नहीं जमा, तो नारद जी का दृष्टांत दिया सौनक आदि ऋषि, नारद को, नारद का उद्धार कैसे किया भागवत ने? वो तो बहुत बड़े संत हैं, उनका उद्धार भागवत से कैसे हुआ? उनका उद्धार तो होना ही था, वो तो बहुत बड़े तपस्वी है, परमार्थी सेवा करने वाले हैं नारद। अरे उन्होंने तो बहुत बड़े आविष्कार किए हैं विज्ञानों के। नारद जी को फोन का सबसे बड़ा आविष्कार करता माना गया, नारद जी को दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट नारद जी ने बनाई थी, इसलिए नारद जी को सूचना देने वाला माना गया है। नारद जी इतनी जल्दी जा के सूचना नहीं देते थे, उनके पास में यंत्र था। देखिए यहां झगड़ा हो रहा है और नारद जी ने जाके शंकर को बता भी दिया,
इतनी जल्दी? और वो दूरी कितनी है, धरती से कितना दूर है कैलाश, इतनी दूर कैसे बताएंगे? तो नारद जी के पास में फोन की व्यवस्था थी। नारद जी ने जरूरतमंद लोगों को जो अपने साथ कांटेक्ट में थे उनको वो सिस्टम दिया हुआ था, झट से बता देते थे नारद जी भड़ाक से। फिर नारद जी ने विमान भी अपने हाथों से निर्माण किया। विमान, ऐसे ही साधु संत नहीं रहे दुनिया में, साधु संत हमेशा उनके तप से जब से आविष्कार से पूजे जा रहे। अब साधु संत आश्रमों से मंदिरों से पूजे जाते हैं। आश्रम बना लो, मंदिर बना लो, बस आपका हमेशा पूजा होगी, नाम होगा। नहीं, पत्थरों का मकान, दुकान, ईंट, इनका सहारा हमें नहीं, ये वैश्यों का काम है, बनिया लोगों का काम है। ये निर्माण करें, ये सब करें, पर साधु का काम नहीं है कि हम ये सब बढ़ाएं तब हमारा नाम होगा। ना 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 है, साधु की पूजा साधुता से ही होनी चाहिए, उनकी साधना से होनी चाहिए, उनके तप के प्रभाव से होनी चाहिए। आश्रम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास आश्रम, हमने जीवन शुरू किया उसके 24 साल के बाद आश्रम बना, उससे पहले आश्रम बाश्रम कुछ नहीं था, हमारे पास रहने को ठिकाना नहीं था, भटकी आत्मा। पर सम्मान की कोई कमी नहीं थी, प्यार की कोई कमी नहीं थी। अपना खुद का थैला लटका के, मैंने कल बताया था, उस थैला को लटका के भी बहुत सम्मान मिलता था, लोग खूब चरणों में लेटते थे, खूब धोते थे चरणों को, तब भी कोई बात नहीं है। आपके पास में गुण क्या है, आपके पास देने के लिए क्या है पब्लिक को, आपके पास देश के लिए करने को क्या है, बस आपकी सेवा पूजा सम्मान उसी से ही बढ़ेगा। बड़े बड़े आश्रम, एक नहीं अनेक आश्रम वाले लोगों का सम्मान नहीं बचता, और नहीं है तो आपके गुणों से आपका सम्मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है।